आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 7 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। राज्य में अब बोर्ड की कक्षाओं में पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को अगले सत्र से कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश पढ़ने के लिए मिलेगा। इसे सभी पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तिकाओं में शामिल किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने अगले सत्र के लिए किताबें छपवाने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि इसे अभी पाठ के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक पेज पर संदेश को प्रकाशित कर बच्चों को जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें दी जाती हैं। इसके लिए हर साल 6.5 करोड़ किताबें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम तैयार करता है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस संदेश में बच्चों को मास्क पहनने, 20 सेकंड तक हाथ धोने और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसे लेकर विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। हालांकि केंद्र ने सभी राज्यों को फैसला लेने को भी कहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही राज्यों को मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी होगी। हालांकि इसे लेकर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी कोई गाइडलाइन तैयार नहीं की है। प्रदेश में जिस एसओपी के आधार पर 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, इसी आधार पर अभी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन होगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी पहली से 8वीं तक के स्कूल खोलने की कोई संभावना नहीं है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 9वीं से 12वीं तक भी नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी, बल्कि आंशिक कक्षाएं ही संचालित होंगी। दीपावली के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मिडिल हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने पर विचार होगा। इस दौरान नई एसओपी तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के साथ ही अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगल पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। सभी पक्षों के अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान पूर्व निर्देश के पालन में सभी पक्षों की ओर से अपने अपने प्रस्ताव रखे गए। निजी स्कूल एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने साफ किया कि राज्य के निजी स्कूल बीच का रास्ता निकालने तैयार हैं। इसके तहत राज्य शासन व हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का परिपालन ईमानदारी से सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही निजी स्कूल आपसी सहमति से ट्यूशन फीस के साथ कुछ उचित शुल्क जोड़कर अभिभावकों व छात्रों को राहत देने तैयार हैं। वहीं जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय व शांति तिवारी ने अभिभावकों व छात्रों का पक्ष रखा। दलील दी गई कि निजी स्कूल कोरोना काल में किसी तरह की मनमानी फीस वृद्धि न करें। यदि सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करके हाई कोर्ट कोई बीच का रास्ता सुझाएगा तो उसका पालन किया जाएगा। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस का खासा असर भारत पर भी पड़ा है। देश में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि उस लॉकडाउन से संक्रमण की रफ्तार में तो कमी आई ही है, लेकिन इसका विपरीत असर ये भी हुआ कि इस लॉकडाउन ने देश भर में लाखों लोगों को कंगाल भी कर दिया। संक्रमण पर रोक लगाने के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण पैदा हुई परिस्थितियों से राजधानी भोपाल के ही हजारों लोग कंगाल हुए हैं। सारी सेविंग और एफडी खत्म हो जाने के बाद जब कोई चारा नहीं बचा तो प्रॉपर्टी और गहने बेचने के बजाय लोगों ने बैंक से कर्ज लेना उचित समझा। अप्रैल से जून के बीच ही शहर के लोगों ने बैंकों से 11,828 करोड़ रुपए कर्ज लिया है, जो बेहद चौंकाने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी ताजा क्रेडिट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के आंकड़ों की माने तो लॉकडाउन की अप्रैल से जून वाली तिमाही में राजधानी भोपाल में नए कर्ज की वृद्धि दर अप्रत्याशित रूप से 20.77% रही। राजधानी की बैंकों से 11,828 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए। ये वृद्धि दर पिछले साल की इस तिमाही से 2.74 गुना अधिक रही। पिछली अप्रैल से जून तक यह वृद्धि दर 8.37% ही रही थी और बैंकों ने 4,304 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे।
पिछले साल का जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो व्यापारियों द्वारा दिया गया बैंक लोन है जो व्यापार की वृद्धि के लिए लिया जाता है। लॉकडाउन के कारण व्यापारियों ने लोन नहीं लिया, इंदौर की रिपोर्ट इसका समर्थन करती है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर की तरह भोपाल के लोगों के भी आर्थिक स्थिति खराब है। हजारों लोगों ने गहने बेचने के बजाय उन्हें गिरवी रखा और गोल्ड लोन लिया, जबकि बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने अपने रिश्तेदारों से व्यक्तिगत स्तर पर कर्ज लिया है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या मिडिल क्लास के लोगों की है। हालांकि सरकार की ओर से इस वर्ग के लिए कोई योजना नहीं है। प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलता दिख रहा है। सुबह से बादल छाए रहे, ठंडक का एहसास हुआ। धूप देर से निकली, दोपहर होते तक मौसम बारिश जैसा हो गया, पर बादल बरसे नहीं। शाम होने को आई है, आसमान में अब भी काले बादल छाए हैं। हालांकि बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता चुका है। अगले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश से मानसून की वापसी हो चुकी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश के ज्यादातर हिस्से से होकर जा चुका है, जिसकी निर्गमन लाइन फैजाबाद, फतेहपुर, नौगांव, राजगढ़, रतलाम, वल्लभ, विद्यानगर, पोरबंदर से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग के अनुसार बादलों के छटते ही कोहरा छाने लगेगा, जिससे ठंड शुरू हो जाएगी। अभी दो दिनों से सुबह हल्का कोहरा और ठंड पड़नी शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते तप रहे सूर्य से बादलों ने राहत प्रदान की है। प्रदेश में ठंड का आगमन इसी हफ्ते हो जाएगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95% से 99% तक सही साबित हुए हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे भोपाल के विधायक पीसी शर्मा बुधवार को शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर बरसे। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ और 8 अन्य के खिलाफ कोरोना मानदंडों के उल्लंघन पर दर्ज हुई एफआईआर पर शर्मा न सिर्फ आक्रामक नजर आए बल्कि शिवराज सरकार पर आरोपों की झड़ी भी लगाते दिखे। उन्होंने पहले कोरोना काल में ही बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियों का हवाला दिया और फिर कहा कि हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। पीसी शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने इस सियासी घटनाक्रम की तुलना महाभारत से कर डाली। उन्होंने कमलनाथ को कृष्ण रूपी कहते हुए विजयी होने का दावा किया तो सीएम शिवराज की तुलना शकुनी मामा से कर डाली। उन्होंने कहा लगातार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, आयोजन हो रहे हैं, उस पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है। कमलनाथ ने कहा है यह कोई अधिकारियों कर्मचारियों की लाई हुई भीड़ नहीं थी, यह जनता की भीड़ थी। हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश के जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। बुधवार सुबह मीडिया कर्मियों से बातचीत में कमलनाथ के अनूपपुर दौरे पर को लेकर गृह मंत्री ने उन्हें चेतुआ नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह चेतुआ केवल गेहूं काटने के समय आता है उसी तरह कमलनाथ भी बस चुनाव के समय ही मैदान में आते हैं। कांग्रेस द्वारा किसानों को लेकर खाट पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम लोग खाट पर सोते हैं और संसद में भाषण देते हैं, लेकिन कांग्रेस संसद में सोती है और खाट पर भाषण देती है। उपचुनाव में बदनावर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, सिर्फ नेता ही बचे हैं। जहां नेता ही नेता होते हैं वहां इस तरह का कलह होता ही है। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता नहीं दिख रहा है, इसमें कमी आती दिख रही है। प्रदेश में यह आंकड़ा 67.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 67,64,710 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 48,42,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 9,08,700 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 57,50,403 है एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,04,651 है। अब तक देश में कुल 8,22,71,654 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,38,000 को पार कर गया है। यहां कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 99,898 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,38,668 पहुंच गया है।
जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 18,141, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,18,039, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,488 है। प्रदेश में अब तक 22,60,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 7 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 8 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा, ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो तीन ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा, ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये आप हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए लाल के बाद, वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन, और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल्स, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में, ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा, ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरे को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए चार पांच वीडियोस, वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।